हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम दीपक। वेलकम टू माय चैनल न्यू इन्फॉर्मेशन। दोस्त, आज जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, COVID-19 यूज होने वाला थर्मल थर्मोमीटर के बारे में। दोस्त, ये थर्मोमीटर दो प्रकार के होता है, एक मेडिकल थर्मोमीटर, दूसरा इंडस्ट्रियल थर्मोमीटर। दोस्त, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये डिवाइस या तो ये थर्मोमीटर कितना एक्यूरेट काम करता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक छोटा सा लाइक के साथ एक कमेंट पास कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये थर्मोमीटर आपके कंपनी का मेरे पास है, मेरे हाथ में है, लेकिन पिछले दिनों जनवरी फरवरी के महीने में इवन मैं भी एयरपोर्ट में जब मलेशिया से आया तो देखा कि सबका स्कैन हो रहा है, तो इस तरह का कोई थर्मोमीटर यूज़ किया जा रहा था। तो पहले तो ये कि ये क्या थर्मोमीटर है और ये जो आपकी कंपनी का थर्मोमीटर ये क्या है, ये तो मुझे समझ आ रहा है कि ये इंसान को नापने के लिए है और ये इंडस्ट्री है, तो शायद ये इंडस्ट्री के लिए है। क्या दोनों से सेम काम हो सकता है? क्या इससे इंसान का को नापा जा सकता है? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये इंडस्ट्रियल थर्मामीटर है। इसका जो मेजरिंग रेंज है वो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस टू 550 डिग्री सेल्सियस। मीन्स फ़ारेनहाइट में अगर आप बात करेंगे तो -58 डिग्री टू 1022 डिग्री। राइट। और इसका जो वेरिएशन है वो 2% प्लस माइनस प्लस 2 डिग्री फ़ारेनहाइट, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 4 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस माइनस हो सकता है। चार पाँच डिग्री इधर उधर हो सकता है, टॉलरेंस हो गया ये 4-5 डिग्री। तो प्लस, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल है और ये मेडिकल थर्मामीटर है, तो इसमें एक कैलकुलेशन है जो ये थर्मामीटर करता है ह्यूमन बॉडी के सरफेस का टेम्परेचर लेने के बाद, जो इसमें वो फंक्शन नहीं है। तो इससे आप बिल्कुल मेजर नहीं कर सकते। इसमें आपका वेरिएशन अप टू 10 डिग्री फ़ारेनहाइट भी आ सकता है। 10 डिग्री मान लो किसी का अगर 99 है तो वो 89 भी आ सकता है और 109 भी आ सकता है। इतना मतलब वेरिएशन इसमें, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल थर्मामीटर है। इसको तो आप अगर यूज़ करेंगे तो मतलब ये तो बिल्कुल फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। तो मैंने ये देखा कि एयरपोर्ट में अक्सर यही यूज़ हो रहे थे, इवन हमारे जो कॉलोनी में यूज़ हो रहे हैं आजकल वो भी यही यूज़ हो रहे हैं, तो मतलब ये तो बेकार में ही कर रहे हैं। एक्चुअली हुआ ये कि ड्यूरिंग जनवरी फरवरी जब ये कोरोना स्टार्ट हुआ, तो कुछ थर्मामीटर्स जो इंडिया में, क्योंकि इंडिया ये थर्मामीटर बनाता नहीं है इंडस्ट्री, ये अपना फ़ारेनहाइट ये इन्फ्रारेड थर्मामीटर, तो थर्मामीटर्स इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट हो गए सारे थर्मामीटर्स। तो जब हमारे यहाँ पे गाइडलाइन आई कि आपको मेजरमेंट करना है, तो इंडिया में अवेलेबल ही नहीं थे। इंडिया में अवेलेबल थे इंडस्ट्रियल थर्मामीटर, तो लोगों को इतना नॉलेज भी नहीं था, तो लोगों ने ये यूज़ किया इंडस्ट्रियल थर्मामीटर, जबकि इससे आप नहीं मेजर कर सकते बॉडी टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि जनवरी महीने में, फरवरी में, इवन मार्च महीने में भी जो लोग एयरपोर्ट से बाहर से लोग आ रहे थे और स्कैनिंग के नाम पे जो ये थर्मोमीटर यूज़ हो रहा था, यानी कि वो पूरा का पूरा एक्सरसाइज इज़ फ्यूटाइल। जो जो इससे स्कैन हुआ है वो सारी एक्सरसाइज फ्यूटाइल है। कुछ थर्मामीटर यहाँ से जिनके पास मेडिकल होगा वो तो ठीक है, लेकिन मेडिकल में भी एक इशू ये था कि इसकी जो मेजरिंग डिस्टेंस है थर्मामीटर का, वो इस पर मैंशन है 1 to 5 सेंटीमीटर। ये अलग अलग मैन्युफैक्चरर का अलग अलग रहता है, लेकिन ये है 1 to 5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स आपको इतनी नज़दीक से इसको मेजर करना है। जो हमने देखा न्यूज़ में या वीडियोज़ में, वो था कि वो इतना दूर से भी कर रहे हैं। तो इतना दूर से अगर आप करोगे तो इसका मेजरमेंट सही नहीं आ सकता, क्योंकि इसका डिस्टेंस ही 1 to 5 सेंटीमीटर है। मतलब ये कि आप सब लोग अगर देखते हैं कि जब आपका भी टेम्परेचर मेजर होगा तो नॉर्मली इफ यू रिमेंबर कि कुछ दूरी से होगा। हाँ जी, हाँ जी। दूरी से जो भी ये नंबर आएगा दैट इज नॉट द राइट पिक्चर, कुछ कमी आएगा, कुछ कमी आएगा। हाँ, यानी कि दैट इज अगेन ए फ्यूटाइल। तो अगर ये यूज करेंगे तो ये फ्यूटाइल था ही था, और अगर ये यूज कर रहे हैं और दूर से कर रहे हैं, दूर से मतलब इतना पास से करना, 1 to 5 सेंटीमीटर, 1 to 5 सेंटीमीटर, तो लगभग यहाँ तक, यहाँ तक। हाँ हाँ हाँ, और यहाँ तक तो मैंने देखा नहीं करते हुए। हाँ नहीं, वो काफ़ी हमने जो वीडियोस में वो देखा, वो इतनी दूर से करते हैं, तो उसमें आपको डिफरेंस आएगा।